सिंगल ट्यून वोल्टेज एम्पलीफायर। सिंगल ट्यून वोल्टेज एम्पलीफायर हमारे कई तरह के होते हैं। जो हमारा सिंगल ट्यून वोल्टेज एम्पलीफायर है इसमें हम बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर का यूज़ भी कर सकते हैं, कैपेसिटिव कपलिंग ट्यून एम्पलीफायर का यूज़ भी कर सकते हैं जिसमें हम अपनी आउटपुट कपलिंग कैपेसिटर के थ्रू लेते हैं, और इंडक्टिवली कपल ट्यून एम्पलीफायर भी यूज़ कर सकते हैं जिसमें हम अपनी आउटपुट इंडक्टर के थ्रू लेते हैं, और ऐसा एम्पलीफायर जिसमें हम दोनों सर्किट्स का यूज़ करते हैं यानी कैपेसिटर और इंडक्टर दोनों का यूज़ कर सकते हैं। और उसमें जो कैपेसिटर इंडक्टर को हम इस तरह से सिलेक्ट करते हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी को इस तरह से सिलेक्ट करते हैं जो उनकी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है, जो ट्यून सर्किट की जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है वो फ्रीक्वेंसी हमारी इक्वल हो सिलेक्टेड फ्रीक्वेंसी के, एम्पलीफाइड फ्रीक्वेंसी के इक्वल होनी चाहिए। जो हमारा सिंगल ट्यून वोल्टेज एम्पलीफायर है, सबसे पहले जो हम कैपेसिटिव जो हमारा कैपेसिटिव सर्किट है, कैपेसिटिव ट्यून एम्पलीफायर है, उसके बारे में देखते हैं। ये सर्किट हमारा कैपेसिटिव ट्यून एम्पलीफायर है जिसमें R1, R2, R3 माने बायसिंग का काम करते हैं। ये हमारे जो हमारे सिग्नल है उसे प्रोपोगेट करते हैं पर्टिकुलर पोजीशन पे। कपलिंग कैपेसिटर क्या करता है, जो हमारी जो आउटपुट आती है हमारे सर्किट की उसको दूसरे सर्किट की इनपुट में जोड़ता है। ये हमारा कैपेसिटिव ट्यून कपलिंग एम्पलीफायर जिसमें हम आउटपुट अपने कपलिंग कैपेसिटर के थ्रू लेते हैं, यानी कपलिंग कैपेसिटर के थ्रू हम अपनी आउटपुट लेते हैं। ये तो है हमारा कैपेसिटिव ट्यून। नेक्स्ट है हमारा इंडक्टिव ट्यून। इंडक्टिव ट्यून जिसमें हम अपना इंडक्टर का यूज़ करते हैं और अपनी आउटपुट इंडक्टर के थ्रू लेते हैं, ये है हमारा इंडक्टिव ट्यून वोल्टेज एम्पलीफायर। लेकिन इसमें हम अपने फैट मोसफेट बीजेटी इनका भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि अगर हम इसमें अपने फैट का यूज़ कर रहे हैं, उसमें हमने एनपी जो हमने पिछले सर्किट्स किए हैं उसमें हमने एनपीएन ट्रांजिस्टर का यूज़ किया है और इसमें हम फैट का यूज़ कर रहे हैं। यह हमारा सोर्स, ये हमारा ड्रेन और ये हमारा गेट, और इसमें हम फैट का यूज़ कर रहे हैं सिंगल ट्यून वोल्टेज एम्पलीफायर में। जो वर्किंग होती है ट्यून वोल्टेज एम्पलीफायर की उसको हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं हमारी रेडियो फ्रिक्वेंसी सिग्नल के थ्रू, एम्पलीफाइड सिग्नल के थ्रू, और इनपुट जो हमारा इनपुट एम्पलीफायर सप्लाई है उसके थ्रू। जो रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी होती है हमारे ट्यून सर्किट की वो इक्वल होती है हमारी इनपुट सिग्नल के फ्रीक्वेंसी के, जिसमें हम जो हमारी कैपेसिटेंस है और इंडक्टेंस है उसको प्रॉपरली सेट करते हैं और एक पर्टिकुलर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी एम्पलीफाइड सिग्नल प्रोड्यूस करते हैं। और इसमें क्या होता है कि जो हमारी इनपुट सिग्नल होती है वो एक कॉम्प्लेक्स वेव प्रोड्यूस करती है जब हमारी फ्रीक्वेंसी जो हमारे ट्यून सर्किट की फ्रीक्वेंसी होती है वो इक्वल होती है हमारे इनपुट सिग्नल के। इसमें हमारी लार्ज सिग्नल अपीयर होती है आउटपुट पे और हमारी एक कॉम्प्लिकेटेड वेव प्रोड्यूस होती है। अगर इन केस अगर हमारा सिग्नल जो हमारा सिग्नल होता है वो फ्रीक्वेंसी के रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के इक्वल हो जाए तो वो एम्पलीफाइड हो जाएगा, और दूसरे वर्ड्स में ये भी कह सकते हैं कि ये रिजेक्ट कर देता है हमारे ट्यून सर्किट की अदर फ्रीक्वेंसीज को। जिसका फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स होता है सिंगल ट्यून एम्पलीफायर का वो डिपेंड करता है हमारे करंट गेन बीटा पे, इनपुट रेजिस्टेंस RI पे, AC लोड रेजिस्टेंस पे, जिसको हम डिनोट करते हैं AB। AB हमारा करंट जो गेन है, हमारा वोल्टेज गेन है, बीटा करंट फैक्टर इनटू RL लोड रेजिस्टर अपॉन में RI इनपुट रेजिस्टर। हम जानते हैं कि जो हमारा AC लोड रेजिस्टेंस होता है जो RL है वो हमारा L अपॉन CR के इक्वल होता है। L हमारा वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस, C हमारी वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस, R हमारी वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ इंडक्टर। यानी कि अगर हम RL की वैल्यू अपने RL की वैल्यू को इसमें पुट कर दें तो हमारे पास आएगा AV इज इक्वल टू बीटा इंटू L अपॉन CR अपॉन RI। ये हमारा फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स जो हमारी सिंगल ट्यून वोल्टेज एम्पलीफायर का फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स है ये शो कर रहा है।
हम जो हमारी वैल्यू होती है एल अपॉन सी आर की, ये वैल्यू हाई होती है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से। और अगर हम जो हमारी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है, जैसे कि ये हमारी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है एफ आर, जो कि हाई होती है, ये हाई है, इसके जो वोल्टेज गेन है ए वी, जो वोल्टेज गेन है वो मैक्सिमम है इस पॉइंट पे। अगर हम रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी को थोड़ी सी भी डिक्रीज या इंक्रीज करते हैं तो हमारा जो वोल्टेज गेन है वो डिक्रीज हो जाता है। और जो हमारी जो बैंडविड्थ है, बैंडविड्थ ए और बी पॉइंट के डिस्टेंस, जितना डिस्टेंस है उसे हम बैंडविड्थ कहते हैं, जिसे बी डब्ल्यू से डिनोट किया गया है, जो बताता है चेंज इन एफ, यानी फ्रिक्वेंसी में कितना चेंज आया है एफ टू माइनस एफ वन, ये हमारी बैंडविड्थ है, जिसको हम एफ नोट अपॉन क्यू नोट के इक्वल भी लिख सकते हैं। जो बैंडविड्थ होती है एम्पलीफायर की, वो इक्वल होती है हमारे फ्रिक्वेंसी डिस्टेंस, यानी कि पॉइंट ए और पॉइंट ए के बीच के बीच में जो डिस्टेंस है उस रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी पे। और जो वोल्टेज गेन ड्रॉप होती है, ये जो ए बी, जो यानी कि जो हमारी वोल्टेज गेन है अपॉन में मैक्सिमम अपॉन अंडर रूट टू, जो वो ये ड्रॉप वोल्टेज है, जो वोल्टेज गेन ड्रॉप होती है वो रूट टू से डिनोट किया गया है, जिसे ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रेजोनेंस शो करती है। लिमिटेशन ऑफ सिंगल ट्यून वोल्टेज एम्पलीफायर, जो हमारा ट्यून वोल्टेज एम्पलीफायर है उसे हम वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन कम्युनिकेशन ट्रांसमीटर के लिए, जो हम कम्युनिकेशन ट्रांसमीटर ट्रांसमिट करते हैं वो हमारे ऑडियो फ्रिक्वेंसी को ट्रांसमिट नहीं करता, इसलिए हमें अपने सिग्नल को, रेडियो फ्रिक्वेंसी सिग्नल को, आरएफ सिग्नल को एम्पलीफाई करना पड़ता है, जिसे हम मॉड्यूलेशन कहते हैं। और रिसीवर पे कुछ कैरियर फ्रिक्वेंसीज, डिज़ायर कैरियर फ्रिक्वेंसीज का यूज़ किया जाता है इसको एम्पलीफाई करने के लिए। और उसके लिए हमें प्रॉपर क्यू फैक्टर की ज़रूरत होती है, यानी क्वालिटी फैक्टर, जो कि हमारी वोल्टेज गेन को इंक्रीज़ करता है। लेकिन इससे हमारा जो ये जो वेव होती है, ये वाली बैंडविड्थ होती है, ये रिड्यूस हो जाती है। सबसे पहले हमारी बैंडविड्थ कुछ इस तरह से होती है, ये बाहर वाली साइड पर, लेकिन उसके बाद हमारी बैंडविड्थ रिड्यूस हो जाती है, जिससे हमें एक प्रॉपर सिग्नल नहीं मिलता। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ये हम एबल नहीं होती हमारे कंप्लीट बैंड को एम्पलीफाई करने के लिए। जो ये एक नैरो बैंड प्रोड्यूस करती है, एक नैरो बैंड विड्थ प्रोड्यूस करती है, और स्मॉलर बैंड, जो हमारे स्मॉलर पास बैंड होती हैं, एम्पलीफाई करती हैं, जिससे हमारा पुअर रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होता है ऑडियो सिग्नल्स का। ये इसकी मेजर लिमिटेशन है, और इस लिमिटेशन को दूर करने के लिए हमें डबल ट्यून वोल्टेज एम्पलीफायर की ज़रूरत पड़ती है। ये है हमारा सिंगल ट्यून वोल्टेज एम्पलीफायर।